वालेकुम सलाम भाई जान, कहाँ से आए हैं आप? हम फैसलाबाद से। फैसलाबाद से आए तो क्या गाड़ी की जिस रोड पे अभी हम चले हैं उस रोड पे मतलब आपके हिसाब से क्या एवरेज थी पहले? पहले जो एवरेज थी हमारी वो 12-13। तो अब क्या फीडबैक आया है काम करने के बाद? काम करने के बाद यही आया कि अब ये चली गई है 22 पे। और अगर रश ना मिलती हमें तो फिर ये 25 से भी क्रॉस करते। आपने खुद गाड़ी चलाई? मैंने खुद गाड़ी। आपको खुद चलाने में तो हमने कोई रोक टोक नहीं की था? नहीं, कोई रोक। ठीक है, और गाड़ी चलने में कैसी है इंजेक्टर अल्टरेशन के बाद? लोग कहते हैं कि अल्टरेशन के बाद गाड़ी बैठ तो नहीं जाती है। नहीं, चलने के बाद बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आरामदेह हो गई है गाड़ी, लाइट हो गई है गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं टीएम ऑटोस से मोहम्मद ताहिर। ये सेंट्रो है, हुंडई सेंट्रो। इसमें ये एक लीटर भाई अपने हाथ से पूरा कर रहे हैं। इसमें हमने इंजेक्टर चेंज किए हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या एवरेज देती है एक लीटर में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये देखें दोस्तों, एक लीटर पेट्रोल पूरा हो गया और मीटर नीचे की भी रीडिंग देख लेते हैं और ऊपर की हमने ज़ीरो कर दी। अब हम जाते हैं, देखते हैं कि ये हमें हुंडई एक लीटर में सेंट्रो क्या एवरेज देती है। दोस्तों, ये सेंट्रो में एक लीटर हमने पेट्रोल डाला था, इसमें हमने इंजेक्टर चेंज किए हैं और जो एवरेज निकली है आपको दिखा देते हैं। 21 की और 21.9 है। ठीक है, यानी कि 22 हमारा आइडिया था 25 का और ये 25 देती है हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली है, रोड बन रहा था जिसकी वजह से हम रश में फंस गए थे। अगर रश ना मिलती तो ये हमें 25 तकरीबन दे जाती। तो अभी हम रोड पे हैं, हम दुकान पे जाके डिटेल वीडियो बनाते हैं इसकी। आपको ये मीटर पहले का भी दिखाया था, आप भी देख लें। और माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि 22 की एवरेज तब भी बुरी नहीं है। सेंट्रो 2006 है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ टीएम ऑटोस से मोहम्मद ताहिर। ये 2006 सेंट्रो है, इसके हमने फ्यूल इंजेक्टर चेंज किए हैं और इसके बाद इस गाड़ी ने क्या एवरेज दी और पहले क्या एवरेज थी बाइक से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई जान, कहाँ से आए हैं आप? हम फैसलाबाद से। फैसलाबाद से आए तो क्या गाड़ी की जिस रोड पे अभी हम चले हैं उस रोड पे मतलब आपके हिसाब से क्या एवरेज थी पहले? पहले जो एवरेज थी हमारी वो 12-13। तो अब क्या फीडबैक आया है काम करने के बाद? काम करने के बाद यही आया कि अब ये चली गई है 22 पे। और अगर रश ना मिलती हमें तो फिर ये 25 से भी क्रॉस करते। आपने खुद गाड़ी चलाई? मैंने खुद गाड़ी। आपको खुद चलाने में तो हमने कोई रोक टोक नहीं की था? नहीं, कोई रोक। ठीक है, और गाड़ी चलने में कैसी है इंजेक्टर अल्टरेशन के बाद? लोग कहते हैं कि अल्टरेशन के बाद गाड़ी बैठ तो नहीं जाती है। नहीं, चलने के बाद बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आरामदेह हो गई है गाड़ी, लाइट हो गई है गाड़ी। और तरीके कार भी आपसे पूछा था, टैंक टू टैंक चेक करवाएं या पर लीटर चेक करवाएं? नहीं, हमने पर लीटर चेक किया। तो आपको क्या लगा आप आए हैं? हालांकि आप सुबह के आए हुए हैं। सुबह के आए हैं तकरीबन, मेरा ख्याल है कि 9-10 के लगभग आए थे और अब मेरा ख्याल है कि 7-8 होने वाले हैं। 7-8। लेकिन काम का तरीकेकार आपको समझ आया कि कोई अच्छा चीज़ नहीं है, कोई हम लोग वो नहीं है? ठीक है, आपके सामने काम हुआ जो भी हुआ, ठीक है, कोई आपसे कोई छुपा काम तो नहीं हुआ कि आपको कहा कि आप बैठ जाएं और नहीं, हम कोई करते छुपा नहीं। काम नहीं, आपने जो सवाल किए हमने आपको जवाब दिए, जवाब दिए बिल्कुल। तो आप टीएम ऑटोस पे आके क्या लगा, आप मुतमिन हैं हमसे? हम बहुत मुतमिन हैं जी। ठीक है, आप वीडियो ही देख के आए थे सेंट्रो की? नहीं, मैं बिल्कुल, मैं भाईजान 22 की एवरेज से देख के वीडियो सेंट्रो की मैं तब यहाँ पर आया। और माशाल्लाह आपकी गाड़ी ने आपकी उससे अच्छी एवरेज है। अगर रचना मिले, अगर हमें रचना मिलता तो ये 25। रोड टूटा हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी रश थी, तो यानी कि आप माशाल्लाह इस गाड़ी पे 25 की एवरेज ले सकते हैं। ले सकते हैं, ठीक है। और आप देखें ना, आप इतने दूर से आए, मेरा सिर्फ कहना ये होता है कि टाइम टेबल का, टाइम टेबल, ठीक है, अगर आप टाइम टेबल के साथ आते तो और ज़्यादा बेहतर होता था। लेकिन अल्लाह के हुक्म से गाड़ी से अब आप मुतमईन हैं? बिल्कुल, हम ये मुतमईन हैं। और कुछ अब आपसे भी मुतमईन है, गाड़ी से भी मुतमईन। नहीं, आपका देखें बहुत शुक्रिया आने के लिए, लेकिन जो भी आप बात कहेंगे हम वैसे ही वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं। कि अक्सर लोग हमें कहते हैं कि यार अब आपके सामने बीच में जो गाड़ियाँ आई हमने उनको मना कर दी, नहीं काम कर रहे, ठीक है। कई लोग हमें कहते हैं कि यार आप फ़ोन नहीं उठाते, बड़े मगरूर हैं या जवाब नहीं देते। अब आप मुझे बताएं कि अब आपको टाइम दिया, अगर हम आपकी गाड़ी छोड़ के दो गाड़ियाँ और पकड़ लें तो कैसे काम चलेगा? ये तो नहीं काम होना था किसी का भी, उनका भी नहीं होना था, हमारा भी नहीं होना था। इसीलिए टाइम टेबल का जो शेड्यूल है वो उसके लिए, उस टाइम टेबल का शेड्यूल का फायदा कस्टमर को है ना, कस्टमर को। अगर देखा जाए तो मैकेनिक को नुकसान है, मैकेनिक को नुकसान, वो एक गाड़ी करेगा, एक गाड़ी, ठीक है। और टाइम टेबल के अगर वो टाइम टेबल ना दे तो दो गाड़ियाँ कर सकता है, तीन कर सकता है। लेकिन हमें वो नुकसान मंजूर है, लेकिन आपकी तसल्ली हमारी बिल्कुल। तो आपका आने का बहुत शुक्रिया सर। कुछ और कहना चाहें तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। नहीं, आपके गाड़ी भी सामने है, आपने खुद चलाई है, सारा तरीके कार आपके सामने।
नहीं हम मुतमईन है ठीक है चले सर। दोस्तों ये फैसलाबाद से भाई आए थे हमारे पास और हमने इसमें फ्यूल इंजेक्टर चेंज किए और नॉर्मल जैसे ट्यूनिंग करते हैं ट्यूनिंग की है और माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से गाड़ी ने बेहतरीन एवरेज दी है। तो बस मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी काम करने वाले हजरात हैं फैसलाबाद में वो सब हमारे भाई दोस्त फील्ड के बंदे हैं, बस काम में ईमानदारी इख्तियार करें, अल्लाह ताला आसानी देगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह।